तो बात करते हैं यार CVS में जो हिस्ट्री टेकिंग है उसके प्रोफॉर्मा की क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है और कैसे हिस्ट्री लेना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पेशेंट का नेम लिखेंगे, है ना, उसका एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, क्या क्या करता है वो इंसान, कहाँ का है, एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद वो जो कंप्लेंट से आया, दैट इज़ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स या फिर चीफ कंप्लेंट जिसको बोलते हैं, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। एंड जो मेनली तो यहाँ पे सीवियस केसेस में वो चेस्ट पेन्स के आ सकता है, डिस्पनिया से आ सकता है, पालपेशन से, या फिर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया हो उसको, है ना, कफ हो सकता है, तो वो सब चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स के बाद यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट दी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, जो हमने उसने जो कंप्लेंट बताए हैं उसी को एक तरह से इलाबोरेट करेंगे यार। ठीक है, इसमें हम सपोज करो कि किसी को चेस्ट पेन हो रहा है, किसी को चेस्ट पेन हो रहा है, तो उस चेस्ट पेन में हम क्या क्या चीज़ ध्यान में रखेंगे यार, उसका ड्यूरेशन कब से है, कब से दर्द हो रहा है उसके चेस्ट में, है ना, साइट कहाँ पे दर्द हो रहा है उसके, मोड ऑफ ऑनसेट की बात करेंगे, कब से, मतलब किस प्रकार से ये आगे हुआ, नेचर कैसा था चेस्ट पेन का, है ना। ये देखो हम बेसिक की बात करें, अब इसमें हर चीज़ में आप ड्यूरेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, साइट्स में क्या क्या चीज़ें होती है, नेचर में क्या क्या होता है, कौन से नेचर का किस प्रकार का डिसाइड कर सकता है, ये सब चीज़ें जो है ना वो बुक में करनी है, बट हम एक बार ओवरलाइन बना रहा है, उसके बाद हर चीज़ डिटेल में धीरे 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 करके आते जाएगा यार। एक दिन में कुछ नहीं होता, धीरे धीरे होता है, ठीक है, एक दिन जरूर होता है करते जाएंगे। तो सो सीवियरिटी एंड ड्यूरेशन की बात करेंगे यहाँ पे एपिसोड के, है ना, कब कितने ड्यूरेशन तक चला था जो पे चेस्ट पेन था, अगर अभी ख़त्म हो गया है तो, है ना, रेडिएशन की कहीं दर्द तो नहीं फैल रहा था उसकी भी बात करेंगे यार, कंटिन्यूस था चेस्ट में जो दर्द था वो, या फिर इंटरमिटेंट था इसकी बात करेंगे, कौन आपको लाया इसकी बात करेंगे, कोई एग्रावेटिंग या फिर रिलीविंग फैक्टर तो नहीं है जिससे चेस्ट पेन बढ़ जा रहा हो, है ना, जैसे कि काम करने से, या फिर कोई रिलीविंग फैक्टर शांति से मतलब बैठ जाने से, या फिर स्क्वाटिंग पोजिशन, वो सब चीज़ें बुक में है यार। ठीक है, बट हम एक बार से देखो, एक चीज़ें जो होती है स्टेप वाइज करने से सारा समझ आती है यार। ठीक है, एकदम किताब पढ़ के बैठने से कुछ नहीं होगा, एक ओवर व्यू बनाओ या क्या क्या हमको चीज़ें ध्यान रखनी है, उसके बाद क्या क्या चीज़ें में कुछ कुछ, जैसे कि आप पहले तो रिफ्लेक्सेस, सपोज कर CNS की बात करें, तो उसमें रिफ्लेक्सेस पहले क्या क्या करना है वो हमको पता होना चाहिए, उसको कैसे करना है रिफ्लेक्सेस को वो, ठीक है, पहले क्या क्या चीज़ें हमको HUPM में ध्यान रखनी है वो, फिर साइट कैसे हो सकता है और उसका क्या क्या हमारे पास कॉजेस हो सकते हैं वो, उस प्रकार से डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना है। तो पहले स्टेप वाइज चलते जाना यार, धीरे धीरे, ओवर बर्डन नहीं होना। उसके बाद एसोसिएटेड फीचर्स की बात करें कि चेस्ट पेन के साथ क्या क्या हो रहा है यार, है ना, क्या चेस्ट पेन के साथ यहाँ पे स्वेटिंग या फिर पालपिटेशंस तो नहीं हो रहे हैं, क्या कोई जो चेस्ट पेन है क्या ये एसोसिएटेड है विथ फूड इनटेक। ठीक है, तो ये हो गया, हमने बात की अबाउट व्हाट चेस्ट पेन की बात। दूसरा जो है वो है डिस्निया यार, है ना, जो डिस्निया है इसका ड्यूरेशन कितना है, जो सांस लेने वाला तकलीफ हो रही है ना, तो कब से है, मोड ऑफ ऑनसेट कैसे था, है ना, प्रोग्रेशन कैसे था, किस ग्रेड का डिस्निया है, ग्रेडिंग देखना पड़ेगा, वो धीरे धीरे हम करेंगे, बट ऊपर से ओवर भी बना रहे हैं। ठीक है, एग्रावेटिंग फैक्टर कौन कौन से हैं, रिलीविंग फैक्टर कौन कौन से हैं, है ना, क्या पोस्चरल नॉक्टर्नल डिस्निया की हिस्ट्री है जो कि सीवियर केसेस में कॉमन होता है, या फिर ऑर्थोपनिया इसकी हिस्ट्री देखेंगे। एंड इसके साथ जो सांस लेने में तकलीफ है उसके साथ कोई और भी एसोसिएटेड सिम्टम्स तो नहीं है यार, लाइक छींक तो नहीं आ रही है, वीजिंग तो नहीं हो रही है, कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन तो नहीं है, या फिर डिस्निया के साथ चेस्ट पेन तो नहीं है। ये हमने बात किया वो डिस्निया यार, है ना, अगर वो पाल्पिटेशन की अपनी खुद की धड़कन उसको सुनाई दे रही है पेशेंट को, तो पाल्पिटेशन में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखेंगे, पाल्पिटेशन में ड्यूरेशन कैसा है, कब से पाल्पिटेशन हो रहे हैं वो ध्यान में रखेंगे, पाल्पिटेशन क्या रेगुलर है या फिर इरेगुलर है वो देखेंगे,
प्रोक्सिमल है या फिर नहीं है उसकी बात करेंगे हम, एंड ये जो पाल्पिटेशन था इट इज़ ब्रॉट ऑन बाई, उसकी बात करेंगे क्या पाल्पिटेशन के कुछ एग्रावेटिंग फैक्टर्स हैं या फिर कुछ रिलीविंग फैक्टर्स हैं उसकी बात करेंगे, क्या जो पाल्पिटेशन है इट इज़ एसोसिएटेड विथ चेस्ट पेन सिनकोप, ये बात करेंगे ठीक है। पाल्पिटेशन अगर है उसको, अगर चीफ कंप्लेंट में प्रेजेंटिंग कंप्लेंट हमने जो लिखा है, अगर पेशेंट जो था उसका कॉन्शियसनेस चला गया था, अगर हमने लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखा, सो उसके एपिसोड्स की बात करेंगे, कितने एपिसोड्स थे उस कॉन्शियसनेस जाने के, बेहोश हो जाने के, उसकी बात करेंगे। सो एपिसोड्स पर डे कितना था ना, ड्यूरेशन क्या था जो कॉन्शियसनेस जाने का, या फिर यहाँ पर लिखेंगे कि पूरा बेहोश हो गया था थोड़ा थोड़ा, सो टोटल और पार्शियल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस था, इसकी बात करेंगे यार कितने टाइम बाद वो रिकवर कर गया, वापस से ठीक हो गया, सो रिकवरी टाइम लिखेंगे यहाँ पे, है ना, कि कोई एसोसिएटेड यहाँ पे फिट्स तो नहीं थे, है ना, एंड कोई बाउल एंड ब्लैडर डिस्टरबेंस तो नहीं हुआ था, वो हम यहाँ पे भी लिखेंगे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के रिलेटेड। सो एसोसिएटेड फिट्स या फिर ब्लेडर एंड बावल एब डिस्टरबेंस तो नहीं था, सबकी बात करेंगे। एंड लास्ट टाइम ये जो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस था वो कब हुआ था उसकी बात करेंगे, सो टाइम ऑफ लास्ट एपिसोड। नेक्स्ट अगर उसको कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन है ऐसे कंप्लेन में, कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन, सो उसमें हम क्या पूछेंगे पेशेंट से यार कि कब से आपको ये कफ है, सो ड्यूरेशन की बात करेंगे, मोड ऑफ ऑनसेट कैसा है, कितना कफ आ रहा है, क्वांटिटी, कलर एंड ऑर्डर की बात करेंगे कि कोई पोस्चरल या फिर रिलीविंग फैक्टर तो नहीं है कि ऐसे पोस्चर में जाने से कफ कम हो जाता हो, की बात करेंगे यार, है ना, क्या ब्लीडिंग हो रही है कफ में, सो कफ ऑन मतलब ब्लीडिंग ऑन कफिंग है अगर, तो इसके एपिसोड्स कितने हैं ये पूछेंगे, ऐसे एपिसोड्स कितने हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे, है ना, एंड कलर क्या था भाई उस समय कफ का, क्या इसके बाद मेलिना तो नहीं हुआ था, मेलिना मतलब ब्लड इन स्टूल, है ना, सो फॉलोड बाई, अगर कफ में अगर खून आने के बाद मेलिना तो नहीं हुआ था इसके बारे में भी पूछेंगे, एंड क्या कफ के साथ कोई एसोसिएटेड फूड पार्टिकल था कि नहीं वो पूछेंगे। देखो हर चीज़ का एक अलग कज होता है, तो एक कज के लिए यहाँ पे सबसे पूछना जरूरी है, बट हमको पहले पूछना क्या है वो समझना है ना, फिर तो हम क्या करेंगे पता होना चाहिए किस चीज़ से क्या बीमारी हो सकती है, उसके पहले तो बीमारी बाद में चीज़ है, पहले क्या क्या पूछना वो जरूरी है ठीक है। तो हमने बात की HOPI में कफ विद एक्सपेक्टोरेशन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पाल्पिटेशन, डिस्निया, चेस्ट पेन, ये सब कंप्लेन के साथ पेशेंट आता है CVS के केसेस में ना। तो बाद हम बात करेंगे अबाउट नेगेटिव हिस्ट्री, नेगेटिव हिस्ट्री में यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट सिम्टम्स ऑफ राइट हार्ट फेलियर, सिम्टम्स ऑफ राइट हार्ट फेलियर, जिसमें यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट हिस्ट्री ऑफ फिडल एडिमा अगर है तो हो सकता है कि उसको क्या हुआ हो, राइट हार्ट फेलियर हुआ हो तो वो चेक करेंगे, एंड हिस्ट्री ऑफ एब्डोमिनल डिस्टेंशन तो नहीं था क्योंकि इसमें राइट हार्ट फेलियर में देखने को मिल सकता है, हिस्ट्री ऑफ डिसपेप्सिया तो नहीं था ये पूछेंगे, एंड हिस्ट्री ऑफ राइट हाइपो कॉन्ड्रियल पेन अगर था तो हो सकता है कि राइट हार्ट फेलियर हुआ हो, अगर हिस्ट्री है अगर पफिनेस ऑफ फेस तो हो सकता है राइट हार्ट फेलियर हो, तो सब पूछेंगे यहाँ पे ना, अगर रीनल फेलियर के सिम्टम्स देखने को मिले तो वो सब यहाँ पे रूल आउट करेंगे, सो सिम्टम्स ऑफ रीनल फेलियर क्या क्या होते हैं भाई, यहाँ पे अगर हिस्ट्री है ऑफ फीवर विथ पेन, है ना, या फिर सोर थ्रोट तो हो सकता है रीनल फेलियर हुआ हो, या फिर इनवॉलेंट्री मूवमेंट की हिस्ट्री है,
अगर हिस्ट्री यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, वो स्किन मैनिफेस्टेशन तो नहीं है कुछ यार, है ना, सम स्किन मैनिफेस्टेशन लाइक रैश या फिर नोड्यूल्स तो नहीं है ना, सिम्टम्स ऑफ रिनल फेलियर हो गया, इसके तो हम बात कर सकते हैं वो सिम्टम्स ऑफ लेफ्ट साइडेड डिसीज लाइक यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ कोई वॉइस चेंजेस तो नहीं है, या फिर डिस फेजिया तो नहीं है ना, कम यूरिन की हिस्ट्री तो नहीं है, हिस्ट्री ऑफ ऑलिगूरिया तो नहीं है, वो सब यहाँ पे हम पूछेंगे, है ना, सिम्टम्स ऑफ कॉन्जेनाइटल डिसीज, सिम्टम्स ऑफ कॉन्जेनाइटल डिसीज कोई तो नहीं है, सो जिसमें हम बात कर सकते हैं अबाउट हिस्ट्री ऑफ साइनोटिक, एपिसोड्स की यार, ठीक है, यहाँ पे हम हिस्ट्री ऑफ स्क्वाटिंग तो नहीं है बिकॉज कॉन्जेनिटल डिसीज के अंदर यहाँ पे स्क्वाटिंग के एपिसोड देखते हैं, लाइक हम बात करें अबाउट एसाइनोटिक साइनोटिक हार्ट डिसीजेस के अंदर, ठीक है, कोई सिम्टम्स ऑफ ना पीएचटी तो नहीं है ना, अगर सिम्टम्स ऑफ पल्मरी हाइपरटेंशन तो नहीं, यहाँ पे उसकी बात करेंगे यार, सिम्टम्स ऑफ पल्मरी हाइपरटेंशन लाइक यहाँ पे रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सिंकोप हिमोप्टाइसिस, ठीक है, चेस्ट पेन, ये सब पूछेंगे यहाँ पे, ये सब नेगेटिव हिस्ट्री है यार। अगर हम पास्ट हिस्ट्री की बात करें तो पास्ट हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखेंगे, पास्ट हिस्ट्री में हिस्ट्री ऑफ कोई सिमिलर एपिसोड्स तो नहीं थे, वो सब पूछेंगे यहाँ पे, है ना, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस सिमिलर एपिसोड्स, क्या उनको हिस्ट्री रिमेटिक फीवर की थी कभी, वो पूछेंगे, है ना, मतलब जैसे एपिस्टेक्सिस कोई हुआ था कि नहीं, एक तरह से इलाबोरेटली इसको पूछेंगे, ठीक है, इलाबोरेट करेंगे उसमें, हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन के बारे में पूछेंगे, डायबिटीज मेलाइटस टीबी इस्चीमिक हार्ट डिसीज सेक्सुअली ट्रांसमिट इस्चीमिक हार्ट डिसीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, कोई सर्जरी की हिस्ट्री तो नहीं है, वो सब यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में, अगर है तो साइनोटिक स्पेल्स तो नहीं हुए थे, ठीक है, ये सब से यहाँ पे हम पूछेंगे, एंड आए अगर हिस्ट्री तो यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट हिस्ट्री ऑफ व्हाट, कोई क्रोनिक फीवर तो नहीं है, बहुत समय से बुखार जो सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में देखने को मिल सकता है, ओके इसके बाद हमने बात की अबाउट, देखो पास्ट हिस्ट्री की बात कर ली, नाउ फैमिली हिस्ट्री को एलाबोरेट करेंगे यार, किसी को हाइपरटेंशन तो नहीं था, है ना, एंड अबॉर्शन की हिस्ट्री तो नहीं है इन केस ऑफ फीमेल, है ना, और हाइपरटेंशन ये सब चीज़ पूछेंगे, किसी को पहले इस प्रकार कोई तकलीफ तो नहीं हुआ था, ओके फैमिली हिस्ट्री में हम बात करेंगे अबाउट हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन डायबिटीज मेलाइटस, है ना, हिस्ट्री ऑफ एबॉर्शन इन केस ऑफ फीमेल्स, ठीक है, इसका एवलारेट सिमिलर कोई कंप्लेंट्स तो नहीं थे, सिमिलर बीमारियां तो नहीं थी, सब पूछेंगे, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री के बाद पर्सनल हिस्ट्री की बात करें तो पर्सनल हिस्ट्री में हम बात करेंगे अबाउट कोई एडिक्शन तो नहीं है यार, लाइक अल्कोहल एंड स्मोकिंग के बारे में यहाँ पे हम पूछेंगे, डाइट कैसा है, मिक्स है, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, सेक्सुअल हिस्ट्री की बात करेंगे, फीमेल के केस में मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री की बात करेंगे, बाउल एंड ब्लेडर मूवमेंट्स की बात करेंगे, स्लीप ओके, ये हमने बात की और पर्सनल हिस्ट्री, कोई अगर पहले इलाज कहीं कराया होगा तो उसके बारे में पूछेंगे, सो ट्रीटमेंट हिस्ट्री,
समराइज अगर हम करें तो समरी के अंदर समराइज कैसे करेंगे भाई? पहले तो पेशेंट को बताएंगे कि आपका नाम ये सब, ये जो है ना ऐसे एज ऐसे आदमी था, उसका सेक्स ये था, नेम ये था, वो आया हमारे पास, उसकी पर्सनल हिस्ट्री बताएंगे, फिर फैमिली हिस्ट्री, उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स बताएंगे, अगर कोई रिलेटिव पॉजिटिव फाइंडिंग थी अगर, है ना, रिलेवेंट पॉजिटिव फाइंडिंग, ठीक है, पॉजिटिव फाइंडिंग्स को यहाँ पे बताना है समरी के अंदर, कोई प्रोबेबल सिस्टम जो यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है वो यहाँ पे हम थोड़ा सा बताएंगे इस ब्रीफ हिस्ट्री से, जो कि यहाँ पे CVS है, तो यहाँ पे हम प्रोबेबली बताएंगे कि द डिसीज इज प्रोबेबली कॉन्जेनाइटल या फिर एक्वायर्ड, इसके बीच में यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, एंड वो क्या हो सकता है, प्रोबेबली रिकरेंट है कि पहली बार है, उसके बारे में यहाँ पे बताएंगे, हार्ट डिसीज है तो ये हम समझ आ जाता है मेनली CVS केसेस में, एंड इन्वॉल्विंग व्हाट, कौन से साइड को, ठीक है, वो हम बताएंगे, लेफ्ट राइट, है ना, या फिर बोथ साइड, वो यहाँ पे हम बताएंगे। दी प्रोबेबल वॉल्स यहाँ पे जो इन्वॉल्व हैं वो कौन कौन से हैं वो यहाँ पे हम बताएंगे, एंड द पेशेंट, सो अगर कुछ पॉजिटिव साइन है, पेशेंट शोज दी साइन सिम्टम्स ऑफ कुछ बीमारी, लाइफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो गया या फिर राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, फिर कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, ये यहाँ पे हम बताएंगे, इस प्रकार से समराइज करेंगे हमारे केस को। कहीं हमने बात किया वो ट्रीटमेंट हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पास हिस्ट्री, नेगेटिव हिस्ट्री ना, HOPA को इलाबरेट किया, चेस्ट पेन, डिस्निया, पालपिटेशन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कफ विद एक्सपेक्टोरेशन को, एंड प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स लिखना है, नेम ऑफ नेम इज सेक्स ऑक्यूपेशन एड्रेस लिखना है, तो ये हमने बेसिक की बात की। इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट एग्जामिनेशन, यार एग्जामिनेशन में जनरल एग्जामिनेशन एंड CVS का एग्जामिनेशन। जनरल एग्जामिनेशन की बात करें तो जनरल एग्जामिनेशन में हम क्या क्या देखते हैं भाई, यहाँ पे हम कॉन्शियसनेस देखते हैं पेशेंट का, है ना, पेशेंट कॉन्शियस है कि नहीं, कंफर्टेबल है कि नहीं, के ओरिएंटेड है कि नहीं टू द टाइम प्लेस एंड पर्सन, बिल्ड कैसा है, पर जो पेशेंट है उसका, ठीक से खाना खा रहा है कि नहीं, नॉरिशमेंट देखते हैं ना, टेम्परेचर देखते हैं, इस फेब्राइल है कि ये फेब्राइल, फेब्राइल है कि ये फेब्राइल, उसके बाद यहाँ पे मेन चीज़ तो वही है, पैलर, पिकल, पैलर, इक्टेरस, क्लबिंग, साइनोसिस, लिम्फेडिनोपैथी, एडनिडिमा, ठीक है, पैलर, इक्टेरस, क्लबिंग, साइनोसिस, क्लबिंग है तो कितना ग्रेड में क्लबिंग है यार, लिम्फेडिनोपैथी ना, कोई पेडल एडिमा तो नहीं है ना, यहाँ पे रिफिलिंग टाइम देखते हैं यार, है ना, पेडल एडिमा विथ रिफिलिंग टाइम, जिसमें अगर रैपिड रिफिलिंग हो रही है तो रीनल केसेस में ये लेस देन 45 सेकेंड्स होते हैं, एंड स्लो रिफिलिंग होती तो कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर केसेस में रिफिलिंग होता है यार। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट कंजेनेटल हार्ट डिसीजेज की, ठीक है, कुछ उसके मार्कर्स होते हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे जनरल एग्जामिनेशन में, मार्कर्स ऑफ कंजेनेटल हार्ट डिसीज लाइक हाइपरटेंशन, बहुत पहले से अगर हाइपरटेंशन है ना, अगर ईयर्स जो है वो लो सेट ईयर्स अगर देखने को मिले तो हो सकता है कि उसको पेशेंट को कंजेनेटल हार्ट डिसीज हो, लो सेट ईयर्स, पॉलीडेक्टाइली, सिंडेक्टाइली, है ना, अरेक्नो,
डेक्टाइली की बात कर सकते हैं, एमलिया, हाइपोमिलिया की बात कर सकते हैं, यहाँ पे काइफोस्कोलियोसिस के केसेस में कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज देखने को मिलता है यार, काइफोस्कोलियोसिस वेब नेक है, तो उसमें हमारे पास हो सकते हैं चांसेस कि कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीजेज हो, है ना। तो ये मार्कर्स ऑफ कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज हम देखते हैं, अबाउट मार्कर्स ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस लाइक एनीमिया, जॉन्डिस, फीवर, एनीमिया, जॉन्डिस, फीवर, ऑस्लर्स नोट्स को चेक करते हैं यहाँ पे, ऑस्लर्स नोड्यूल्स, क्लबिंग तो नहीं है ना, स्प्लिंटर हेमरेजेस देखते हैं ऑन हैंड, जेनवी लीजेंस की बात करते हैं यार, ना स्प्लीनोमिगेली के अंदर चांसेस हो सकते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में कि स्प्लीनोमिगेली हो गई हो, बात करते हैं अबाउट रॉट स्पॉट्स, ये ऑप्थेल्मोस्कोपी में देखने को मिलेगा। ओके, तो क्या मार्कर्स ऑफ इन्फेक्टिव कार्डिटिस यहाँ पे हम बात करेंगे, चेक करेंगे जनरल एग्जामिनेशन में, मार्कर्स ऑफ रूमेटिक हार्ट डिसीज हम चेक करते हैं, अबाउट मार्कर्स ऑफ इस्चीमिक हार्ट डिसीज, मार्कर्स ऑफ सिफिलिस यार, जहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट एलोपेशिया, है ना, पिपिल ज़्यादा डायलेटेड तो नहीं है, रेटिनाइटिस की बात कर सकते हैं, ग्यूमेटस लीजन की बात करेंगे जिसमें टीबिया में ग्यूमेटस लीजन तो नहीं है, पैलेट के अंदर, टंग्स में, स्टमनम्स में, ठीक है, कोई सेप्टल परफोरेशन तो नहीं है वो चेक करेंगे, टेस्टिकुलर सेंसेशन का लॉस तो नहीं हो गया है, ठीक है। हम मार्कर्स ऑफ सिफिलिस की बात किए, मार्कर्स ऑफ एचआईवी एंड टीबी को देखेंगे यार, है ना। नाउ उसके बाद हम बात करें अबाउट वाइटल साइंस, जनरल एग्जामिनेशन में हम बेसिक चीज़ों की बात करेंगे, बाद वाइटल साइंस की बात करें तो उसमें सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट पल्स, ठीक है। पल्स में हम क्या देखते हैं, रेट, रेट, रिदम, वॉल्यूम, कैरेक्टर, फेल्टिन और पेरिफेरल वेसल्स, ठीक है, कि हर पेरिफेरल वेसल में फेल्ट हो रहा है कि नहीं वो चेक करेंगे, यानी रेडियो फिमरल या फिर रेडियो रेडियल डिले तो नहीं है वो चेक करेंगे, कंडीशन ऑफ वेसल कैसा है, मतलब जो वेसल वॉल है उसकी कंडीशन कैसी है वो पल्स में चेक करेंगे, बीपी चेक करेंगे यार, बीबी के बाद यहाँ पे हम रेस्पिरेटरी रेट देखेंगे, रेस्पिरेटरी रेट में हम क्या चेक करेंगे, है ना, रेट चेक करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट, रिदम एंड टाइप, रेट, रिदम एंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन देखेंगे, एब्डोमिनल है, थोरेक्सिक है ना, टेम्परेचर देखेंगे उसके बाद, वो टेम्परेचर हमने उसमें ही बात कर ही ली ना, बट हाँ टेम्परेचर के बाद जेवीपी, ठीक है, यहाँ पे जेवीपी एंड टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। जेवीपी में देखो पेरिफेरल साइंस देखने को मिलते हैं यार, एओर्टिक रिगर्जिटेशन के अंदर, ठीक है, ईआर अगर है हमारे पास तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एओर्टिक रिगर्जिटेशन में साइंस ऑफ वाइड पल्स प्रेशर देखने को मिलता है, पेरिफेरल साइंस ऑफ एओर्टिक रिगर्जिटेशन जिसमें
साइंस ऑफ वाइड पल्स प्रेशर। सो पहले तो हमारे पास बात करते हैं अबाउट साइंस में यार, लाइट हाउस साइन होता है एक, है ना, क्या होता है लाइट हाउस साइन? लाइट हाउस साइन में यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलती है, अल्टरनेट फ्लशिंग एंड ब्लांचिंग ऑफ फोरहेड। दूसरा एक होता है लैंड डॉल्फ साइन, सॉरी लैंडोल्फिस साइन, जिसमें लैंडोल्फिस साइन के अंदर जो पीपल का साइज है इट वेरीज विद द हार्ट बीट। प्यूपिल साइन वेरीज विथ इच हार्ट बीट। एक होता है बेकर साइन, जिसमें रेटिनल आर्टरी में पल्सेशंस देखने को मिलते हैं। मूलर साइन की बात करें तो मूलर साइन में सिस्टोलिक पल्सेशन देखने को मिलते हैं यूविला के, यार सिस्टोलिक पल्सेशंस देखने को मिलते हैं किसके, यूविला के। डी मजेट साइंस की बात करें तो डी मजेट साइन में हमारे पास हेड बॉबिंग देखने को मिलता है, हेड बॉबिंग विथ ईच हार्ट बीट। कोरिगन साइन की बात करें तो इसमें डांसिंग कैरोटिड्स को क्या बोलते हैं, कोरिगन साइन। एक होता है क्विंकी साइन, है ना, क्विंकी साइन, जिसमें कैपिलरी पल्सेशंस देखने को मिलते हैं नील बैट्स पे, कैपिलरी पल्सेशन देखने को मिलते हैं नील बैट्स, है ना। कोलैप्सिंग पल्स देखने को मिल सकता है यार, पल्सस बिस फ्रेंड्स की बात करें तो ये सीवियर एओर्टिक रिगर्जिटेशन में देखने को मिलता है। रोशन बैक साइन की बात करें तो रोशन बैक साइन क्या है यार, पल्सेशन ऑफ लीवर फेल्ट होता है। एक होता है गरहार्ट साइन। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के साइंस हैं जो कि हमको पता होना चाहिए, है ना, ये एओर्टिक रिगर्जिटेशन में देखने को मिलते हैं। लाइक गरहार्ट साइन इज द पल्सेशन ऑफ स्प्लीन, ट्रॉबेस साइन भी इम्पॉर्टेंट है यार, ट्रॉबेस साइन जिसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टल शॉट फ्यूमरल, मतलब जो फ्यूमरल आर्टरी में हम क्या करेंगे, सिर्फ ढाई 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 गोली जैसे आवाज आएगा, ठीक है। हिल साइन होता है एक, हिल साइन में जो पॉपलीटियल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, पॉपलीटियल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो ब्रेकियल बीपी से बढ़ जाता है एंड इट इज़ मोर देन 20 mm Hg, 20 mm, ठीक है। माइल्ड कितना होता है, 20 to 40। मॉडरेट की बात करें तो 40 to 60 ना, सीवियर में मोर देन 60। एक होता है ड्यूरोसिस मर्मर, ठीक है, ये डबल मर्मर जो सुने थे हमको फीमेल आर्टरी में, उसको बोलते हैं यार ड्यूरोसिस मर्मर। दिस आर डबल मर्मर इन फ्यूमरल आर्टरी। देखो ये सब जो साइंस है ना, ये साइंस कहाँ पे देखने को मिलते हैं अपने को, इन दी वाइट पल्स प्रेशर, जो कि हमको एर्टिक रिगर्जिटेशन में देखने को मिलता है। तो ये सब साइन एक बार चेक करना जरूरी है, ठीक है, बस पता होना चाहिए नाम, उतना डिटेल में कोई नहीं पूछता, ठीक है।
इसके बाद हमने बात की जनरल एग्जामिनेशन की, नाउ हम बात करेंगे अबाउट लोकल एग्जामिनेशन ऑफ CVS। लोकल एग्जामिनेशन ऑफ CVS, जहां पे हम बात करते हैं अबाउट व्हाट इंस्पेक्शन की। सबसे पहले तो इंस्पेक्शन में हम किसकी बात करेंगे, सो इंस्पेक्शन से पहले हम चेस्ट वॉल की सिमेट्री देखेंगे यार ना, चेस्ट वॉल कैसा है, चेस्ट वॉल की सिमेट्री एंड चेस्ट वॉल का शेप देखेंगे। यहाँ पे हम काइफोस्कोलियोसिस तो नहीं है वो चेक करेंगे ना, पेशेंट का कोई एपिकल इम्पल्स तो नहीं देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे देखेंगे। ट्रेकियल पोजीशन क्या है, जो ट्रेकियल का पोजीशन है वो देखेंगे, पल्सेशंस जो हो रहे हैं उसको देखेंगे, बिकॉज इंस्पेक्शन में ऊपर से देखना है ठीक है, टच नहीं करना है ना, पल्सेशंस को देखेंगे, एपिगेस्ट्रिक पल्सेशंस को, हाइपोकॉन्ड्रियल पल्सेशंस को, पैरास्टर्नल पल्सेशंस की बात करेंगे, सुप्रा एंड इंफ्रा क्लेविकुलर पल्सेशंस की बात करेंगे, सुप्रास्टर्नल नेक में पल्सेशंस देखेंगे, इंटरस्कैपुलर एंड सुप्रा स्कैपुलर पल्सेशंस की बात करेंगे ठीक है ना। प्री कॉर्डियल बल्ज को देखेंगे, यहाँ पे हम कोई डायलेटेड वेन्स तो नहीं है वो सब यहाँ पे हम देखेंगे इंस्पेक्शन में। साइंस ऑफ सर्जरीज की बात करेंगे, साइंस ऑफ सर्जरीज या फिर कोई स्कार्स तो नहीं है, ड्रूपिंग ऑफ शोल्डर तो नहीं है ये चेक करेंगे यार। ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी को इंस्पेक्ट करेंगे ठीक है। हमने बात की अबाउट इंस्पेक्शन, ना इंस्पेक्शन के बाद अगर हम बात करें पाल्पेशन की ठीक है, पाल्पेशन की बात करें, पाल्पेशन में एपिकल इम्पल्स को देखते हैं, एपिकल इम्पल्स का साइट कहाँ पे है, टाइप क्या है एपिकल इम्पल्स का, क्या ये एसोसिएटेड है किसी थ्रिल या फिर साउंड के साथ, एपिगेस्ट्रिक पल्सेशंस को देखेंगे, पैरास्टर्नल हिप को यहाँ पे पालपेट करेंगे यार, देखेंगे ना यहाँ पे पालपेट करना है, टच करके देखेंगे यहाँ पे कि वो सब कैसे करते हैं वो अलग बात है, बट पहले पता तो होना चाहिए करना क्या है। थ्रिल ओवर दी प्रीकॉर्डियम एंड कैरोटिड्स ये देखेंगे, कोई पालपेबल साउंड तो नहीं है दैट इज P2 है ना। ट्रेकियर का पोजीशन क्या है वो हम पालपेट करेंगे, क्योंकि पालपेशन अगर हम बात करें परकशन की, सो परकशन में क्या क्या देखना है भाई अपने को, परकशन में राइट बॉर्डर को करस्पॉन्ड करना है ना, राइट बॉर्डर करस्पॉन्ड टू द राइट बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम, जो राइट बॉर्डर ऑफ हार्ट है, राइट बॉर्डर कोरस्पॉन्ड टू राइट बॉर्डर ऑफ स्टर्नम वो देखना है अपने को, जो लेफ्ट बॉर्डर है क्या ये करस्पॉन्ड कर रहा है टू एपिकल इम्पल्स, इसको परकस करना है। हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट लीवर डलनेस कहाँ पे फेल्ट हो रहा है, ये परकशन हो गया,
एस्कल्टेशन की बात करें तो एस्कल्टेशन में क्या क्या एस्कल्टेट करेंगे यार, मिटल एरिया को एस्कल्टेट करेंगे। मिटल एरिया में कोई मतलब फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड सुनाई दे रहे हैं कि नहीं वो देखना है। S1 एंड S2 नॉर्मल है कि लाउड है कि सॉफ्ट है वो देखना है यहाँ पे। एनी S3 और S4 तो नहीं है। MDM देखेंगे, मिड डायस्टोलिक मर्मर तो नहीं है, दैट इज मिड डायस्टोलिक मर्मर आर रफ रंबलिंग लो पिच। मिड डायस्टोलिक मर्मर इसका ग्रेड भी पता करना है, ऑफ ग्रेड आर हर्ड किस केस में, इन केस ऑफ एओर्टिक रिगर्जिटेशन विद द बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप विद ओपनिंग स्नैप एंड प्री सिस्टोलिक एक्सेंचुएशन, प्री सिस्टोलिक एक्सेंचुएशन एंड दी पेशेंट पुट लेफ्ट लैटरल पोजीशन विथ ब्रेथ। सुनाई कहाँ पे दे रहे हैं, इन दी एक्सपिरेटरी एपनिया है ना, जो प्री सिस्टोलिक मर्मर्स हैं वो कैसे होते हैं, अ हाई पिच्ड सॉफ्ट ब्लोइंग प्री सिस्टोलिक मर्मर ऑफ क्रेडी। कहाँ पे सुनाई दे रहा है, अगर सुनाई दे रहा है तो ये हम बताएंगे कहाँ पे सुनाई दे रहा है ना, विद द डायफ्राम। डिस्क्रिप्शन कैसे करना है वो यहाँ पे हम बता रहे हैं, ठीक है। डायफ्राम ऑफ दी स्टेथोस्कोप कंडक्टेड टू दी एक्सिला एंड बैक, द पेशेंट पुट इन लेफ्ट लेटरल विथ ब्रेथ हेल्ड इन द एक्सपिरेटरी एपनिया। इस प्रकार से हम प्री सिस्टोलिक मर्मर्स को बताएंगे, ठीक है। तो ये मिटर लेकर जब उसको ट्रीट किए तो उसकी बात की यार। दूसरा हमारे पास कौन सा एरिया है, एओर्टिक एरिया। तो जब हम एओर्टिक एरिया को ऑस्कल्टेट करेंगे तो यहाँ भी यही चेक करेंगे कि फर्स्ट एंड हार्ट सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई दे रहे हैं कि नहीं, फर्स्ट एंड सेकेंड हार्ट साउंड हर्ड। यहाँ पे S1/S2 देखेंगे, ये लाउड है नॉर्मल है या फिर सॉफ्ट है, ये चेक करेंगे, ठीक है। कोई इजेक्शन क्लिक तो नहीं सुनाई दे रहा है यार, एनी इजेक्शन क्लिक। एंड एओर्टिक एरिया में हमारे पास क्या सुनाई दे सकता है, इंड सिस्टोलिक मर्मर अगर है तो इसको ऐसे बोलेंगे, अ क्री सेंडो डी क्री सेंडो इन सिस्टोलिक मर्मर। इसका ग्रेड भी बताएंगे, इस ग्रेडिंग भी अलग है बट हाँ बेसिक चीज़ हम पहले लिख रहे हैं, ठीक है। हर्ड विद दी डायफ्राम ऑफ दी स्टेथोस्कोप एंड कंडक्टेड टू दी कैरोटिड्स, द पेशेंट लीनिंग फॉरवर्ड एंड ब्रेथ
हेल्ड इन ब्रेथ, हेल्ड इन वॉट, एक्सपिरेटरी एपनिया। इन डायस्टोलिक मर्मर, डी डिक्रिसेंडो पिच्ड इन डायस्टोलिक मर्मर। इसका ग्रेड भी बताना है यार। अपग्रेड इज हियर्ड विथ डायफ्राम ऑफ दी स्टेथोस्कोप, ठीक है, विद द पेशेंट लीनिंग फॉरवर्ड विद दी पेशेंट लीनिंग फॉरवर्ड विथ ब्रेथ हेल्ड इन एक्सपिरेटरी एपनिया। ठीक, तो ये हमने बात की स्कल्टेशन ऑफ एओर्टिक एरिया की, ठीक है, मिटल एरिया का स्कल्टेट कर लिया, एओर्टिक एरिया। उसके बाद हम बात करेंगे पल्मोनरी एरिया का, जब हम स्कल्टेट करेंगे सो वहाँ पे वही चेक करेंगे यार, फर्स्ट एंड सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई दे रहे हैं कि नहीं। सो फर्स्ट एंड सेकेंड हार्ट साउंड आर अर्जनली सुने देते हैं। एंड यहाँ पे S1 एंड S2 को देखेंगे कि ये लाउड है, नॉर्मल है कि सॉफ्ट है, ठीक है। कोई S2 के अंदर स्प्लिट तो नहीं है यार, ना नैरो तो नहीं है कि नॉर्मल है कि वाइड फिक्स्ड है ना कि रिवर्स है, वो सब यहाँ पे हम चेक करेंगे। कोई इजेक्शन क्लिक्स तो नहीं सुनाई दे रहे हैं, एनी इजेक्शन क्लिक। मरमर के लिए क्या करेंगे, फॉर मरमर्स एओर्टिक एरिया को देखेंगे। इंस्पिरेटरी एपनिया कंडक्शन एज इन इन सिस्टोलिक मर्मर ऑफ एट्रियल स्टिनोसिस। पेशेंट इन लाइंग डाउन पोजिशन, पेशेंट कैसा होना चाहिए, इन लाइंग पोस्चर। तो हमने बात की पल्मोनरी एरिया के एस्कल्टेशन की। इसके बाद हम ट्राइकस्पिड एरिया को एस्कल्टेट करेंगे यार। पहले तो इसमें वही फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड, फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड ये सुनाई दे रहे हैं कि नहीं वो देखेंगे। S1 एंड S2 लाउड, नॉर्मल एंड सॉफ्ट। S3/S4 देखेंगे, ठीक है, इट रेफर्स टू S3 या फिर S4, मतलब जो थर्ड या फिर फोर्थ हार्ट साउंड तो है कि नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, मिट्रल एरिया को देखेंगे यार। और ये कहाँ पे देखने को मिलता है, इंस्पिरेटरी एपनिया में। है ना, एंड जो मिड डायस्टोलिक मर्मर है पेशेंट तब देखने को मिलेगा जब वो आगे की तरफ रुक रहा है, लीनिंग फॉरवर्ड। प्रीसिस्टोलिक मर्मर में पेशेंट पेशेंट लीनिंग फॉरवर्ड, कंडक्शन टू राइट स्टर्नम, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट दी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के एग्जामिनेशन की। अगर हम अदर सिस्टम के यहाँ पे एग्जामिनेशन की बात करें सो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट व्हाट रेस्पिरेटरी सिस्टम यार।
रेस्पिरेटरी सिस्टम में नॉर्मल वॉल्यूम ब्रेथ साउंड सुनाई देंगे, ऐसे लिखेंगे यार। बेसल क्रिपिटेशंस तो नहीं है, ये चेक करेंगे। एब्डोमेन के अंदर हम कोई एडिड साउंड तो नहीं है, वो देखेंगे। कोई ऑर्गेनोमिगेली तो नहीं है। या फिर कोई फ्लूइड तो नहीं भरा हुआ, ये चेक करेंगे, ठीक है। एब्डोमेन के बाद सीएनएस में कोई फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट तो नहीं है। जनरली सीवीएस के से दिखने को मिलता है, ठीक है। लास्ट में हम जो डायग्नोसिस बनाएंगे कि डायग्नोसिस में क्या बनाएंगे भाई, कि देखो पहले तो ये बताना जरूरी है कि एक्वायर्ड है कि कॉन्जेनाइटल है। एक्वायर्ड और कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज ऑफ रूमेटिक इटियोलॉजी विथ, रूमेटिक इटियोलॉजी है कि नहीं, मिटर स्टेनोसिस, मिटर रिगर्जिटेशन, एटिक स्टेनोसिस, एटिक रिगर्जिटेशन है कि नहीं, ये बताएंगे। बताएंगे कि जो पेशेंट है इस, मतलब साउंड जो है वो रिदमिक है कि नहीं, हार्ट साउंड। या फिर फेलियर में है, हार्ट फेलियर के अंदर हार्ट फेलियर है, तो उसके साथ कुछ और तो नहीं है यार, उस पर कोई और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। विथ और विदाउट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के कॉम्प्लिकेशंस है कि नहीं, इस प्रकार से यहाँ पर बता के डायग्नोसिस बना के ख़त्म करेंगे यार। सो दिस इज ऑल अबाउट अ केस ऑफ सीवीएस, जिसमें हम क्या करेंगे, इंस्पेक्शन, पार्पेशन, परकशन, एस्कल्टेशन में कहाँ कहाँ करना होता है, सिस्टम की बात की हमने, ठीक है। एंड उसके पहले हमने बात की जनरल एग्जामिनेशन, बीपी, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर, जीवीपी, पल्स, ठीक है। उससे पहले हमने जनरल ओरिएंटेशन, पिकल की बात की। कोई कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज के मार्कर्स तो नहीं, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के मार्कर्स तो नहीं है, कोई सिफिलिस के मार्कर्स तो नहीं है वो। उससे पहले सेमरी, ट्रीटमेंट हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, एचओपीआई के बारे में बताया, नेगेटिव हिस्ट्री को देखा, ठीक है। कोई लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है तो उसमें क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है, कफ विथ एक्सपेक्ट्रेशन है तो क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है, पालपेशंस है, पालपिटेशन है तो क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है, डिस्निया है, सांस लेने तकलीफ हो रही है तो कौन कौन सी चीज़ हमको देखनी है, चेस्ट पेन है तो क्या क्या चीज़ देखनी है, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स की बात की, नेम, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन की बात की। इस प्रकार से हमने सीवीएस का एक प्रोफार्मा क्या किया, चीज़ें हमको देखनी है, आगे कैसे बढ़ना है वो हमने खत्म किया।